उसूलों पे बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। लाल आंख दिखाने की प्रधानमंत्री जी बात करते थे, हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखावत हैं, हम सात ज्ञान में लगे रहे सात कबूतर खावत हैं। वो नाम बदलने में माहिर हैं और देश की जनता सरकार बदलने में माहिर है। पूर्ण रूप से इंडिया अलायंस से घबरा गए हैं। प्रधानमंत्री को डर लगता है कि हम 24 में हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल, तालाब और तानाशाही तीनों 24 में सूखने वाली है, और दलाल पत्रकारों को इंडिया अलायंस में कोई जगह ही नहीं है। एक चीज बताइए, जिसके पास मोहब्बत की दुकान है नफरत के बाजार में जाएगा? किस चीज का डंका? महंगाई का डंका बजा दिया, बेरोजगारी का डंका बजा दिया, भुखमरी का डंका बजा दिया। सोने चांदी की थाली में खिला देने से बेरोजगारी और महंगाई दूर नहीं होगी साहब, गरीबी दूर नहीं होगी। ये पर्दा लगा के गरीबी छिपाना चाहते हैं। इनकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा भी किताबी है। देखिए, इंडिया और जो भारत पे बवाल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बोलता है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया से इतनी बौखलिया गई है कि वो अब इंडिया नाम को भारत रख दिया है। भारत देट इज इंडिया, इंडिया और भारत एक ही है। अब एक चीज बताइए कि इंडिया अलायंस जो है, उन्होंने पहले ही नारा दिया था जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, अब प्रधानमंत्री जी ने इसमें नया क्या किया है? और बताइए कि हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान रख दो जी, क्या क्या रखोगे? नाम बदलने से साहब कुछ नहीं होता है। वो नाम बदलने में माहिर हैं और देश की जनता सरकार बदलने में माहिर है। वो नाम बदल देंगे, हम सरकार बदल देंगे। लेकिन लगातार जो है हमले हो रहे हैं कांग्रेस पे कि इंडिया को लेकर बोल रहे हैं ये गुलामी का प्रतीक है। देखिए, अगर ये गुलामी का प्रतीक है तो प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया लाए, डिजिटल इंडिया लाए, खेलों का इंडिया लाए, पढ़ेगा इंडिया लाए, बढ़ेगा इंडिया लाए, कई प्रकार की इंडिया वो लेकर आए, तब किसी को दिक्कत नहीं थी। और आज प्रधानमंत्री जी को इंडिया अलायंस से इतनी दिक्कत हो गई, प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से इंडिया अलायंस से घबरा गए हैं। प्रधानमंत्री को डर लगता है कि हम 24 में हार जाएंगे, और 24 में तो वैसे ही हारने वाले हैं। इंडिया अलायंस ही इनका समापन करने वाली है। लेकिन वो तो कह रहे हैं 24 में 400 के पार, वो नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। चार वोट अगर उनको मिल जाए तो उनके लिए बहुत होगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल, तालाब और तानाशाही तीनों 24 में सूखने वाली है। चुनाव आयोग चूना लगा हुआ आयोग है। चूना आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर, तथा कथित इशारों पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो उनके इशारों पर काम करता है, वो उनके ईडी और सीबीआई का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है सर, उसी हिसाब से इलेक्शन डिपार्टमेंट का भी ये कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो 14 पत्रकारों का नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई 14 पत्रकारों का और भी लिस्ट निकालिए। इंडिया अलायंस वाले जितने भी पत्रकार ही हैं ना, सोशल मीडिया वाले तो सच्चे पत्रकार हैं, जो नेशनल मीडिया है वो आजकल पत्रकारों की मतलब बीजेपी की दलाली करने लगी है, और दलाल पत्रकारों को इंडिया अलायंस में कोई जगह ही नहीं है। एक चीज़ बताइए, जिसके पास मोहब्बत की दुकान है नफरत के बाजार में जाएगा? नफरत के बाजार में हम लोग ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। लेकिन आप जो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, तो क्या उस मोहब्बत की दुकान में कांग्रेस ने इतने साल इस देश पे राज किया है, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, तो क्या उसमें क्या लोगों के साथ शोषण नहीं हुआ? नहीं, लोगों के साथ शोषण हुआ तो उनका हको अधिकार भी मिल रहा था सर। शोषण किस बात आधार पर? शोषण होता था तो उनको अधिकार मिलता था उनका। लेकिन जितना शोषण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को सताया जा रहा है, उतना इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या सताया गया बताइए? क्या सताया गया? महिलाओं से कहा गया कि महिला सुरक्षित हो जाएगी, आए दिन महिलाओं को नोचने का काम कर रहे हैं। किसानों को कहा आय दुगनी हो जाएगी, किसानों को सबसे ज़्यादा सताने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा युवाओं को परेशान करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। उन्होंने कहा सेना को मजबूत बनाएंगे, सेना को सबसे ज़्यादा मजबूर करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप किस भारतीय जनता पार्टी की सर बात कर रहे हैं? चाइना डर रहा है लगातार, चाइना डर रहा होता तो अरुणाचल प्रदेश में कब्जा न कर लेता। लाल आंख दिखाने की प्रधानमंत्री जी बात करते थे, हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखावत हैं, हम सात ज्ञान में लगे रहे सात कबूतर खावत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डंका किस चीज का बज रहा है भाई? किस चीज का डंका? महंगाई का डंका बजा दिया, बेरोजगारी का डंका बजा दिया, भुखमरी का डंका बजा दिया, शोषण मतलब सब चीज का डंका इनका बज रहा है। इनका डंका विकास पर कब बजेगा? इनका डंका कब बजेगा साहब बताओ भाई? विदेशी मेहमानों को सोने चांदी की थाली, सोने चांदी की थाली में खिला देने से बेरोजगारी और महंगाई दूर नहीं होगी साहब, गरीबी दूर नहीं होगी। ये पर्दा लगा के गरीबी छिपाना चाहते हैं। इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा भी किताबी है। थोड़ा सा एक दो गिनाइए। हैं, एक चीज बताइए कि इन्होंने कहा कि हम सबको घर देंगे, सबको नल देंगे, सबको बाल्टी देंगे, सबको मग्गा देंगे। इनका सर
ये वादा झूठा निकला। इन्होंने कहा सबको रोजगार देंगे, इनका रोजगार वाला वादा झूठा निकला। इन्होंने कहा महिला सुरक्षित करेंगे, महिला सुरक्षित का वादा इनका झूठा निकला। इनका सर एक भी वादा नहीं है जो पूरा हुआ हो और सही तौर पर सुचारू रूप से लागू किया। अनुराग जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है ना, जहाँ जर्मनी है 600 करोड़ रुपए में G20 सम्मेलन कर लेती है और हमारे देश के 4100 करोड़ रुपए में हुआ। हाँ, 990 करोड़ का बजट था और 4100 करोड़ खर्च कर दिया। वो पैसा कहाँ लगा है साहब, इसका एक सही विवेचना। सर देश का नाम मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं उसूलों पे बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। लेकिन सर जो पैसा फर्जी खर्च हो रहा है, अडानी और अंबानी का पेट भरा जा रहा है, सुभाष चंद्रा का कर्जा माफ किया जा रहा है, वो पैसा सर हमारा है। प्रधानमंत्री जी हर 10-10 मिनट पे सूट और बूट बदलने का काम करते हैं जी। देश का पैसा अनर्थ कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, अपनी छवि को दिखाने के लिए पानी को पैसे की तरह पानी को बहाया है, पैसे को इस तरह व्यर्थ किया है कि इससे पहले सर गुट निरपेक्ष आंदोलन हुए हैं, हैं बहुत देश आए हैं, ये भी तो 10-20 देशों को इन, हाँ 100 से ज़्यादा अधिक देश आए हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं खर्च हुआ। आज प्रधानमंत्री अपना चेहरा चमकाने के लिए करोड़ों पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सर बेईमानी है और इस बेईमानी का हिसाब इनको 24 में देना पड़ेगा। लोग तो कह रहे हैं ना कि देश जो है विश्वगुरु बनने की ओर। सर कौन सा विश्वगुरु बन गया, आप बताइए, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं कि जिस देश में 80 करोड़ लोग भूखे नंगे हों वहाँ पर आप बता रहे हो कि विश्वगुरु बन रहा है? जिस देश में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही हो वो विश्वगुरु है? जिस देश में आए दिन महिलाओं को नोचा जा रहा हो वो देश विश्वगुरु है साहब? आप बता दीजिए। अनुराग क्या सोचते हैं 2024 में? सर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का समापन होगा और देश में एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री बनेगा जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी को और तानाशाह सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा।